बड़ी खुशखबरी है, जो बहुत सारी अपनी बहनें गांव देहात में रहती हैं और अपनी पढ़ाई आगे की तैयारी करने के साथ साथ एक छोटी मोटी एक ऐसा स्थायी नौकरी चाहती हैं कि जिसे वो अपने घर से कर सकें, अपने घर के घर पर रहते हुए कुछ ऐसा कार्य सरकारी कर सकें, तो उसके लिए अगले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी विभाग में लगभग 52,000 भर्ती आने वाली है। इसके लिए परीक्षा होगी नहीं होगी तो तभी तय होगा। अभी जितनी जानकारी आज अखबार के माध्यम से मिल पा रही है वो मैं बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। कुल जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, ऐसे कार्यकर्ता होता है, पुरुष महिला होती है कार्यकर्त्री, तो केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी होती है। 1,89,000 पद है, जिनमें से किसी कारणवश 52,000 पद खाली है, जिनको साथ ही 2 माह में भरा जाना है। याद रखिएगा, इसमें अभी मानदेय भी बढ़ाने की तैयारी है कि इसके लिए जो प्रस्ताव है उसमें 4,000 रुपए मानदेय, फोन प्रति माह फोन रिचार्ज 1,500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 400 रुपए का फोन रिचार्ज, तो 1,500 और 400 1,900 और 4,000 वो, तो लगभग 6,000 के करीब ये मानदेय। इसके अलावा सुपरवाइजर के पद पर भी साथी 3,000 पद रिक्त हैं, जिनमें भर्ती भी होनी है और पदोन्नत मतलब प्रमोशन से भी भरी जानी है। अभी पहले क्या था कि इसके लिए कम से कम योग्यता 10वीं थी, लेकिन अभी साथी इसकी जो शैक्षिक योग्यता है इसे बढ़ाते हुए अब आपका 12वीं पास होना जरूरी है। उसके अलावा जो चयन प्रक्रिया है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कहा है उस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी। इसमें सबसे अहम जो 2-3 चीजें आप लोगों को आ जाती हैं, इसमें जैसे जो विधवा महिला है, उसके अलावा उसमें जो 21 से 35 वर्ष की आयु, अच्छे से याद रखिएगा, 21 से 35 वर्ष की आयु, पहले वो महिलाएं जो विधवाएं उनको इसमें साथी वरीयता दी जा रही है। उसके बाद में आप देखेंगे 21 से 35 वर्ष आयु है, 21 से 35 वर्ष आयु है जो परित्यक्ता महिलाएं, अर्थात जिनका तलाक इत्यादि हो गया है, उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला को वरीयता दी जाती है। साथ में जाति आरक्षण भी लागू होता है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, लेकिन अभी ये वैकेंसी सीधे जैसे आपने फॉर्म भरे उसके आधार पर की जाती है, इसमें पेपर होता है वो अलग देखने वाली बात होगी। साथ में सुपरवाइजर के भी 3,000 पद रिक्त हैं, जिनमें मेरिट के आधार पर प्रतिशत के आधार पर भर्ती होती है, 3,000 पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से ये होगा। तो इसके अलावा और भी कई सारे कनिष्ठ लिपिक, 200 वरिष्ठ सहायक इत्यादि के पदों पर भी पदोन्नति होनी है, वो पदोन्नति का अलग है, क्योंकि अभी क्या है कि जब से भर्ती नहीं हुई है तो एक एक केंद्र पर, मतलब कई केंद्रों पर एक ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, जबकि लगभग 52,000 के करीब पद खाली है। तो ये भी एक अच्छी बात होगी कि अपने उत्तर प्रदेश की बहुत सारी बहनों को एक सरकारी सहायता, एक सरकारी स्थायी नौकरी के तौर पर, जिसमें आप अपने घर से ही कुछ अपना, आपके हाथ में कुछ और रोजगार हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए यही आप सभी को बताना था। इसमें कुछ और भी न्यूज आती है तो वो हम जरूर लेकर आएंगे। एक सबसे अहम जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, यूपी पैट के लिए कल से कुछ विशेष प्रोग्राम है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और साथ ही अभी 4 से 5 और बढ़िया वैकेंसी निकली है, उनके बारे में भी कल मैं एग्जाम्पल पर ही सूचना दूंगा, उससे आप जुड़े रहिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, कौन किस विभाग में कितनी सैलरी वगैरह, वो सब बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। एग्जाम्पल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ बने रहें, जिससे कि आपको कोई भी वैकेंसी आए उसके बारे में तुरंत जानकारी मिल सके। थैंक यू साथियों।